सोसाइटी में हमारे रिश्ते आ जाते हैं, हमारे नेबर्स आ जाते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हो, आप अपना वर्क करते हो, उसको कहते हैं। सो इवन जो मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन है वो भी हमसे शुरू होता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी। और हम रिसर्च कहती है और काफ़ी सारा डॉक्टर्स का भी एक्सपीरियंस है कि जो हम यहाँ फैमिलीज आते हैं ना, हम अनहेल्दी होते हैं, सिर्फ पेशेंट नहीं, इवन फैमिली मेंबर्स, वी आर अनहेल्दी। आइदर वी आर ऑलवेज, जैसे कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं, जैसे हमें, हम लोगों को ना नहीं करना आता, हम पीपल प्लीजर्स होते हैं, इसको कहते हैं हम पीपल प्लीजर, कि उसको भी खुश करना, उसको भी खुश करना, उसका भी सोचना। और कौन सी चीज़ें होती हैं, हाँ यस, स्पेशली हम कहते हैं हम नॉर्थ इंडियंस पंजाबीज बहुत शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं, यस, दिखाना बहुत, अंदर चाहे खोखला हो, जैसे आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम वी शो वेरी हैप्पी पिक्चर्स, है ना, चाहे असली लाइफ में वो खुशी होना हो, बट आप पोजेस बना के फोटो डाल रहे हो एंड एवरीथिंग एंड यू डोंट हैव एनीथिंग, डबल स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं है कि जो भी बात यहाँ बोली जाती है वो सब में हो, सब में कुछ ना कुछ कैरेक्टर में हमारे कमजोरियाँ होती है जो हम नहीं, जो फैमिली होती है डेफिनेटली फैमिली के लिए होना पड़ता है, पर एक एक चीज़ होती है सेल्फिश होना, कि आप सिर्फ अपना सोचते हो, ठीक है, एक होता है सेल्फ केयर, सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ केयर का मतलब कि आप अपना ध्यान भी रखते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी ने कोई ऐसा काम बोल दिया, आप कहीं पे मसरूफ़ हैं, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है, आप थके हुए हैं, तो आप वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे ना, जब आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे आपकी कैपेसिटी है नहीं, कोई ना कोई आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको दिक्कत आएगी तो आपके जो आसपास के लोग हैं, फैमिली है, उनको भी दिक्कत आएगी। तो फैमिली का यही मतलब होता है ना कि एक पर्सन को कुछ होता है तो दूसरा पर्सन भी अफेक्टेड होता है, दैट इज़ व्हाट दिस इज। हाँ जी, किसी का कुछ शेयरिंग, कोई क्वेश्चन? हम यहाँ पे अपने पेशेंट को लेकर आए हैं, पैसे लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकते? आप इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितनी मुझे जानकारी होगी उसका जवाब मैं दूंगी, जो मुझे जानकारी नहीं होगी वो डॉक्टर आकर देंगे, कोई भी क्वेश्चन। हमें नहीं पता था, हाँ जी क्या हुआ, हाँ कोई बात नहीं, पानी पी लो थोड़ा सा। ये दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन मैं चाहती हूँ कि आप करें, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, बीइंग असर्टिव एंड टफ लव, इनेबलिंग प्रोवोकिंग, आपको समझ आया, ठीक है। हमने लाइफ में बहुत सारे फेजेस में शुरू से टफ लव दिखाया होता है। देयर वॉज अ टाइम लाइक आई वॉज शेयरिंग आफ्टरनून में, एक टाइम था आप इसको फर्स्ट डे स्कूल छोड़ के आए थे, ठीक है। एक मदर, एक फादर के दिल में बड़े सवाल होते हैं, बच्चा अकेला पहली बार, छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम छोड़ के आए हैं। मगर पेरेंट्स पहले दिन जब स्कूल बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो उसको वापस नहीं लेकर आते, दैट इज़ टफ लव, क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर बच्चा जब, उससे भी पहले जब बच्चा छोटा होता है, कुछ दिन के बाद ही बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जाती है, इंजेक्शंस लगना शुरू होते हैं, दैट इज़ फॉर हिज बेटरमेंट, दैट इज़ टफ लव, ठीक है। नीरू मैम, आपने क्या टफ लव दिखाया और सीखा?
एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। टफ लव का मतलब मेरे लिए तो यही है कि जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हम अपने हस्बैंड की हर बात को हाँ ही बोलना सीखे होते हैं, पीछे से ही हमें नर्चरिंग होती है कि उसकी हाँ में हाँ ही मिलाना है। तो टफ कहीं ना कहीं मैंने भी फिर उनकी हाँ में हाँ ही मिलाई, जहाँ वो गलत थे उस चीज़ों इनेबल को किया, इनेबल किया, अंडर द कारपेट किया घर वालों से। तो यहाँ आके टफ लव का मतलब समझ में आया कि प्यार करना है लेकिन ऐसा प्यार नहीं करना जो उसके लिए खतरनाक हो, जो उसके लिए हानिकारक। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल? एग्जाम्पल मैं रिसेंटली दूंगी, थोड़ा टाइम पहले ही मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा राजेश की लाइफ में। तो मैंने उनसे बात की, सर से पहले डिस्कस करके बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि सर को नहीं बताना है। तो मैंने उनको कहा नहीं, ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी बीमारी बोल रही है कि सर को नहीं बताना, लेकिन अगर सर को नहीं बताएंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस चीज़ का। तो क्योंकि उनको अपनी होंगे कुछ इश्यूज़, कोई शेम होगी या कुछ भी एबीसी, पर मैंने टफ लव दिखाया और मैंने सर को वो चीज़ बताई क्योंकि वो उनके फ़ायदे के लिए थी, अगर वो कवर कर लेती तो बीमारी बढ़ जानी थी। डिड यू अंडरस्टैंड? When we say हम हॉस्पिटल, I'll just come back to you, जब हम कहते हैं हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे सारे निमोनिया के पेशेंट होते है ना, या कोई भी और प्रॉब्लम होती, तो जब डॉक्टर कमरे में आता है तो डॉक्टर पूछते हैं ना, आज खाना खाया, आज सोए, नींद आई, उल्टी तो नहीं आई, भूख कम लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है। तो इसी तरह से हमारी बीमारी में भी, हमारी बीमारी में क्या सिम्टम है, जैसे इनके हस्बैंड ने बोला कि डॉक्टर को नहीं बताना, बट टफ लव इज़ कि वाइफ ने रियलाइज़ करा कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचा सकती है। वहाँ पे वाइफ का रोल प्ले कर कर नहीं, एक केयर गिवर का रोल प्ले कर कर टफ लव दिखाकर उन्होंने डॉक्टर से शेयर किया। दिस इज़ टफ लव। रवलीन आप क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं? मैम मेरे ना बड़ा रीसेंट होया, कल ही मेरी मेरे मदर नाल आर्गूमेंट हो गया, तो मैं ना बड़े गुस्से से फ़ोन करते भी चल, तो मैंने यही कि मदर का वापिस फोन आऊगा, पर मैं डीकता रहा मदर ने वापिस फोन नहीं किया। तो मैं फिर फोन करके कहा कि अमन नु नहीं दसना तुम्हें, तो मदर ने की किया फोन जो मेरा कटिया सीधा अमन फोन किया, अमन ने उत्ते हरमिटेज मेरे काउंसलर का फोन किया, वो एक तरह का एक टीम बन के काम किया, तो सॉर्ट आउट हो गया। हमारे प्रोग्राम में, हमारे ट्रीटमेंट में हम टफ लव बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैंने जब रियलाइज़ करा कि माय हस्बैंड हैज़ एन इलनेस और उनको एडमिशन की ज़रूरत है, वहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मुझे मेरे हस्बैंड को नो बोलना पड़ेगा, मुझे मेरे हस्बैंड जो भी बोल रहे हैं मैंने उसको साइड पे रख के वो डिसीशन मेक किया जो एक डॉक्टर ने बोला, जो एक एक्सपर्ट ने बोला। दैट इज़ टफ लव, बिकॉज सेइंग यस एंड प्लीजिंग इज़ वेरी इजी, बिकॉज जो सामने वाला कर रहा है आपने उसको खुश कर दिया और सब कुछ साफ़ है, सब कुछ ऊपर नीट एंड क्लीन रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, कुछ भी आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बट जब हमें दिख रहा है कि सामने वाले हमारा जो लव्ड वन है उसका नुकसान हो रहा है, उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, उस टाइम उसके उस एक्शन में सपोर्ट करना इज़ नॉट अ हेल्दी एक्शन। उस टाइम उसको एक आईना दिखाना, उस टाइम उसको एक सच दिखाना, उसको कम्युनिकेट करना कि ये सही नहीं है, मैं और मैं आपके साथ इसमें नहीं हूँ, दैट इज़ टफ लव। क्योंकि हमने इस बीमारी में जाने अनजाने में इनेबलिंग करी होती है, बढ़ावा दिया होता है कि घर की शांति बने रहे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, ज़्यादा कलेश ना हो, चलो कोई बात नहीं। ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाए तो हम प्रोवोक कर देते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं, बट रिसर्च सेज, साइंस सेज एंड एक्सपीरियंस सेज कि इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, रिएक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, चुप हो जाना, वायलेंस करना, ये सारी चीज़ें ही बीमारी को और अनहेल्दी बिहेवियर्स को बढ़ाते हैं।
तो जब हम इस ट्रीटमेंट में रिकवरी में आते हैं तो हम इसके ऑपोजिट हेल्दी बिहेवियर सीखते हैं, बिकॉज लव तो आप करते ही हो, प्यार तो आप करते हो, दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग विद द पेशेंट विद योर लव्ड वन. और बीइंग असर्टिव, स्टर्न होके बोलना, नहीं तो हम दबे दबे शब्दों में बोलते हैं, हम डरते रहते हैं. सो इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारी है, ब्रेन डिसऑर्डर. और जो हमारा पेशेंट है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्शन ले सके, नज़र उसको भी आ रहा है बट एक विशियस सर्कल में वो फंसा हुआ है. हमारा पेशेंट सब्सटेंस लेता है, फिर हमारा पेशेंट इंटॉक्सिकेशन में एक वीक एक्शन करता है, जब वो होश में आता है उसको शर्म आती है, उसको गिल्ट आता है, वो उससे संभाला नहीं जाता क्योंकि एक तो वो बीमारी में फंसा, एक ऊपर से वो गिल्ट और शेम में फंस जाता है, दिमाग उसका कमज़ोर हुआ हुआ है, मत उसकी काम नहीं कर रही है, उसको पेन होता है उस शेम और गिल्ट से. उस पेन को शांत करने के लिए वो दोबारा नशा करता है, उस नशे के बाद वो दोबारा एक एक्शन करता है. सो ये जो विशियस सर्कल चलता है जिसको हम अल्कोहलिक डेथ बोलते हैं, जिसमें एक नशा करने वाला पर्सन रोज कितनी मौतें मरता है, वो फंसा हुआ है. दैट इज वाई वी फोकस ऑन फैमिली इंटरवेंशन, कि फैमिली ही आकर बचा सकती है क्योंकि वो तो बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो तो एक के बाद एक ना चाहते हुए भी उसकी जिंदगी में कड़ी लग गई है एक्शंस की. आप सोचो कि 10 किलो का भार उसने उठाया हुआ है, अब थोड़े दिन बाद 20 किलो का हो गया, वो तो फंसता ही जा रहा है. तो जब हम ये समझते हैं कि ये जो पेशेंट नशे की बीमारी में फंसा हुआ है, इसका जो दिमाग खराब है या वो डिप्रेशन में है या किसी भी सोचों के नशे में है, कोई भी उसमें चीज़ आ गई है, वो उसने अटैक किया उसके ब्रेन पे, और ब्रेन से सारी शक्ति मिलती है, ब्रेन से सब कुछ करना है, तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है ना, हमारी ड्यूटी बनती है कि उस फैमिली मेंबर को हम बचाएं कि उसकी हाँ में हाथ दिखाएं. यहाँ पे टफ लव की ज़रूरत है कि वो उसका एक कंफर्ट जोन बन गया, उसको उसका एक सर्कल बन गया, उसने यही करना है, उसका दिमाग यूज्ड टू हो गया है, मगर हमने उसको उसमें से निकालना है ना. उसमें उसको पेन होगा क्योंकि जब उसको तलब होगी उसको पेन होगा. जब हम उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका नशा, जिसने उसको इतने अच्छे मोमेंट्स भी दिए हैं, बहुत सारे शायद उसके काम भी कराए हैं, रिलीफ भी दिया है, जब हम उससे छीनेंगे उसको पेन होगा, मगर हमें उसको उसके पेन से गुजरने देना है. दिस इज टफ लव. अगर 3 मंथ्स के लिए मेरे बेटे को रिहैब रहना था मेरे बिना, घर के बिना, चाहे मैं घर में रोज आई यूज टू क्राई और मिस हिम, बट दैट इज टफ लव. I had to be tough so that he could be saved. That is why families को tough love सिखाया जाता है कि जिसको आप प्यार बोलते हो, जिसको आप care बोल रहे हो, वो सिर्फ एक toxic attachment है, वो आपकी अपनी गर्ज है, अपना self interest है. मैंने husband को खुश, मेरा husband को yes बोल दिया तो क्या होएगा, हस्बैंड खुश हो जाएगा, हस्बैंड खुश हो जाएगा तो किसको अच्छा लगेगा, बीवी को अच्छा लगेगा. अगर हस्बैंड का ड्रिंक करके, और ऐसा नहीं है, हमने भी ये मोमेंट्स, हमने भी ये पैटर्न सीख लिए हैं. शुरू शुरू में जब एक पर्सन ड्रिंक करना या नशा शुरू करता है तो वो खुश होता है. अल्कोहलिज्म एक हनीमून फेज देता है, जब पर्सन हाई में जाता है, जब वो गुड मूड में अल्कोहल पी के नशा करके घर आता है तो उसके बच्चे भी खुश होते हैं और बीवी भी खुश होती है. उस मोमेंट को हम सबने भी एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह एंजॉय किया होता है, पर धीरे 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 बीमारी अपने नेगेटिव सिम्टम दिखाती है.
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह से, जैसे बच्चे भी कहते हैं अच्छा आज तो पापा का बड़ा अच्छा मूड है, चलो पापा घूमने चलते हैं। सो इस नशे के, इस बीमारी के अच्छे जो पल हैं वो हम सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, पर हमें पता नहीं था ये बीमारी। जब हमें पता चलता है ये बीमारी है, दैट इज़ द टाइम, तब तक हम वो पैटर्न सीख चुके होते हैं कि अब हम इसको कैसे रोकें। क्योंकि जब हम रोकते हैं तो पेशेंट रिएक्ट करता है, जो भी पेशेंट और उसके नशे के बीच में आएगा वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जो उसको प्लीज़ करेगा, जो उसको यस मैन करता रहेगा, वो उसका दुश्मन नहीं होगा। सर इधर आइए। इसलिए हम फैमिलीज ने सीख रखा है डर के बारे में और अटैचमेंट के बारे में, डर की वजह से और अटैचमेंट की वजह से, कि अब जब ये अभी आराम से बैठा है, मान लीजिए 2 घंटे बाद इसको क्रेविंग आती है, इसकी बीमारी और तोड़ इसका दिमाग पे कब्जा कर लेती है और ये बोलता है अभी छुट्टी दो और चलो। अगर आप डरोगे, अगर आप अटैच्ड होगे, आप भूल जाओगे कि ये बीमार है, इसका ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, इसको क्रेविंग आ रही है, इसको तोड़ बज रही है, आप ले जाओगे तो आप ले जाके क्या करोगे, इसका नुकसान। आप लेकर क्यों जाओगे ये बताओ, क्योंकि आपसे आपके बच्चे का दर्द नहीं देखा जा रहा, आपका बच्चा आपसे कहीं खो ना जाए, इस बात का आपको डर है। इसलिए ये टफ लव सीखना पड़ता है यहाँ रहकर कि बीमारी को कहीं ना कहीं हमने भी पाला है घर में बैठकर। हमें दिख रहा होता है हमारी नज़रों के सामने, मगर हम एक्शन नहीं लेते अपनी गर्ज की वजह से कि हमारा जो ये प्यार करने वाला लव्ड वन है ये हमसे दूर हो जाएगा। हम ये छोटी छोटी एक्शंस करते हैं, जैसे हस्बैंड नाराज़ नहीं हो जाओ, हाँ हो जाए तो उसको अच्छी तरह से खाना परोसो, सब कुछ करो, सब कुछ उसकी मर्ज़ी का सेट करो, अच्छा वो नाराज़ ना हो जाए, अच्छा वो ड्रिंक बाहर जाके ना करे, चलो कोई बात नहीं यहीं कर लो, चलो थोड़ी सी कर लो, ये थोड़ा मिक्स बारगेनिंग करते रहना, मिनिमाइज करते रहना, मैक्सिमाइज करते रहना, ये हम सब ने किया हुआ है। बट वो ये सारी चीज़ें जो हमने घर में करी है हमारे काम नहीं आए, चाहे हमने डिप्रेशन को ही बढ़ावा दिया, एक डिप्रेस्ड पर्सन को हमने और डिप्रेस्ड किया, एक मेनिया में जो पर्सन है साइकोटिक है हमने उसको और रिएक्ट करके उसको बढ़ाया। इसलिए यहाँ पर बैठ के फैमिली को भी अपने दिमाग का रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में गलत बिहेवियर सीख लिए हैं, हमने भी सीख लिए हैं, पेशेंट ने तो सीखे सीखे हैं, हमने भी सीख लिए। इसलिए पर प्रॉब्लम ये है कि आज तक जो काम नहीं आया, अब कुछ अलग करेंगे तो काम आएगा ना। इसलिए ये जो सारा हमने सीख रखा है इसका रिजल्ट हुआ 0। अब हम ये सारा सीख कर रिकवरी में जाएंगे। दैट इज वॉट टफ लव इज। टफ लव में हम अपने से पहले अपने प्यारे पर्सन को रखते हैं कि उसका नुकसान फायदा तो नहीं है, मगर जब हम इनेबलिंग करते हैं हम अपना पहले सोचते हैं। ये थोड़ा सा डीप और कॉम्प्लेक्स है समझना। अगर मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड को मैंने खुश करना है, मेरे हस्बैंड को मैंने प्लीज करना है, मेरे हस्बैंड के मैं गुड बुक्स में रहना चाहती हूँ, मैं बैड बुक्स में ना आ जाऊँ, तो मैं हाँ बोल दूँ, उसमें मैंने किसका सोचा, अपने हस्बैंड का या मेरा? मैम बताइए, मेरा। सो इनेबलिंग में फैमिली अपना सोचती है, टफ लव में वो दूसरे का सोचती है।
That is why tough love, being assertive, proactive, boundaries, communication, ये family सीखती है तो हमारा patient recovery में आता है. So we were just talking about the behaviors, family. हाँ जी करो जी सर, आपके पास है. मैं सौखा कर दूँ, बिल्कुल सौखा कर देना, बिल्कुल सौखा. ये ना सौखा भी ताड़ा काम बन जूगा. ये ना सौखा कर लगा मैं ताड़ा काम बन जाएगा. जे तुसी विनयपाल का इलाज नहीं कराते तो की होगा, की हो सकता? सच का सामना करो, सच का सामना. तुसी जिहड़ी चीज़ तो डरते पे ना, जिहड़ी लुकाउण डे हो, एक दिन हो जानी जी. जिहड़ी चीज़ तो सानू डर लगन डिया ना, सामना करन दा, फेस करन दा, असैप्ट करन दा, उहने नहीं बीमारी ने नहीं बख्शना. एक बंदे नू हार्ट दी प्रॉब्लम है, ठीक है, माइनर है. चलो वो कहिंदा जी माइनर है, मैं इलाज नहीं कराउणा. दसो गां की होगा, फिर की हो सकता? हाँ जी भैन जी, की हो सकता? मतलब ये दसो, जे आप पूरा इलाज नहीं कराते, नहीं इलाज कराते, की हो सकता भैन जी? की हो सकता वो बोल दो. अगे अगे बस इतों शुरू करो, इतों शुरू करो, डेथ तो शुरू करो, फिर जिंदगी आनी है. मौत तो शुरू करोगे ना, फिर जिंदगी आनी है. कुछ भी कह लो, मैं तो सिंपल कह रहा. बस ए चीज़ एक्सैप्ट करो भी जे आप इलाज ना कराया साडा बंदा जा सकता. साडे घरां दे विच, साडे आले दुआले, साडे आंढ गुआंढ, जिहड़ी बीमारी तो आपां पीड़त आ ना, उस बीमारी नाल बंदे मरे आ, साडे रिश्तेदारां च मरे आ, साडे आंढ गुआंढ मरे आ, साडे सर्कल दे बंदे मरे आ, सारिआं दे मरे आ. कोई नहीं कह सकदा. मेरा तो तजर्बा यह कहिंदा साडे घर च वी इक अद्धा जेनेटिकली डिसीज़ हैगी. बस इत्थों शुरू करो, इत्थों शुरू करो भी बीमारी ने अत करती है. बीमारी ने अत तो बाद की हुंदा? हाँ बस बीमारी ने इनू घट घट ना क्या करो. मैं थोड़ा वा, मैं छड लैंदा वा, मैं नहीं इन्ना, मैं सवा महीना छड्डी सी, मैं नरात्या च नहीं पींदा, मैं सौ पाई सी, मैं ना करो इतर, ना करो इतर. इस तरह करते करते तो आप इतने पहुंचे, इस तरह करते करते आप इतने पहुंचे. हुणे को भी बीमारी ने की करती आ, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी च तुहानूं दसण लगा, बीमारी ने ही करती आ. हाँ जी भैन जी, की करती है? की करता बीमारी ने? आ पुत्र वो कहो, मेरे नाल बोलो तुम. जे मैं बचा तो मैं भी मन के बचा, तो तुम बचना, तुम मेरे नाल तुरो. वो नहीं, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना. वो इतने अत तक ही रहो, खुदा नू ना बेच लिया हो. डिनायल जी, ये फिर डिनायल जी, ये फिर डिनायल जी. अं फिर रब नू कह देना कुछ ना कुछ ना, बीमारी ने अत की है ना, मरीज ने की है ना, नशे ने की है, किसी ने कुछ नहीं किया, बीमारी ने अत की है. बस सिंपल रखो, तुम अस्पताल च बैठे जो ग्लूकोज लगता पाया, दवाइया चल दया पीके, कैप्सूल दवाइया दतिया ने, आप मरीज हैं तो हस्पताल च बीमार बंदे आते हैं, तो जो किया बीमारी ने किया. पहला तो यह गल करो, हाँ बीमारी ने अत करती है, तो जे आप इलाज ना कराया तो की करेगी? बस टिप्पी का फर्क पैना. हाँ तुम दस दो भी बीमारी का अंत करना जे के ये तुम वेखो. डॉक्टर साहब ने अज तो 10 साल पहले एक शेयरिंग की सी भी भोग पैना वा कि पौना जे तो बीमारी का भोग तां पैना जे पूरा इलाज कराओगे, तो जे बीमारी ने पूरी मनोगे. अभी बीमारी ने पूरी मानते नहीं पे, सानू इतना आता घट आ, थोड़ा वा छड लैंदा, आ जे मैं छड्डन वाला पंगा ना, ऐ बहुत बंदे गए इस चीज़ का, मैं छड लैंदा जी, तो मैं सिर्फ शराब पीना, तो मैं काम बड़ा करदा, बस
ऐसे चीज़ ने इस बिलीफ सिस्टम ना बहुत ही इस डिनाइल ना, मैं डिनाइल कहूँगा, इस डिनाइल ना बहुत बंदे चले गए। सर रिहैब में ये हो जाता है ना, दो तीन महीने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद मेरे साथ भी हुआ, 3 महीने के लिए छोड़ा, उसके बाद बाहर आके 4 महीने छोड़ लिया, उसके बाद लगता संभाल लूंगा मैं, अब मैं चलो मैं कहना 3 महीने तो तुम इलाज च रहो, फिर हौली हौली दिमाग खुल भी जाएगा। 3 महीने तो कंपलसरी है ना, 3 महीने बहुत जरूरी है। तो हफ्ता जिहड़ा बंदा हफ्ता हुण कई कई फैमलियां पुछणगियां, पेशेंट कहणगे सर हफ्ता हो चलिया हुण अहीं घर जाके की करिए, मैं घर जाके तुसीं इक्को काम करना, मेरे पुछण दी की लोड़ है, की करना घर जाके, हफ्ते बाद घर जाके की करना, की करना तुहानूं भी पता की करना, बस इत्थे बह के फैमिली सीखे भी हफ्ते बाद की हो सकता। जे बीमारी इन्नी माइनर होंगी तो इन्नी बर्बादी नहीं है, पैसा सेहत रिश्ते स्टेटस इन्ना कुछ नहीं जाना, माइनर थोड़ी हैगी, माइनर थोड़ी, एक फ्लू जुकाम थोड़ी हैगा ना, एक माइनर ऑपरेशन थोड़ी हैगा भी डॉक्टर तुसी अंदर गए, मरीज अंदर गया, उन्होंने बेहोश किया, तो 2-3-4-5-6 घंटे ऑपरेशन किया, तो चलो बाहर जा लै, इस तरह थोड़ी है। बहुत तगड़ी बीमारी, बड़ी कनिंग ही बैफल करती बंदे, भुलेखा बड़ा पाँदी, सब तो वड्डा भुलेखा पाँदी भी तू इन्ना बीमार नहीं हैगा, ये कड़ी बीमारी है। एंड मैं कल चीमा साहब ने सवाल किया, मैं सर विल पावर किन्ना तंग करती है, कहते विल पावर बंदा मरवा दें, विल पावर करके बंदा लिवर सिरोसिस हुंदा, विल पावर करके किडनियां खराब होंदियां, विल पावर करके सारे विल पावर दे पंगे, जिन्हों अपनी विल पावर दे मान आना वह अज भी गया तो कल भी गया, वह इलाज नहीं कराएगा, वह इलाज नहीं कराएगा। तुहानूं हार्ट की प्रॉब्लम होवे, तुहाडा वाल खराब होवे, तो विल पावर ना ठीक हो जाएगा, दसो यार। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहे जी ऑपरेट करना वाल चेंज होना, उसको डॉक्टर साहब रहन दो, विल पावर ना ठीक हो जाएगा नहीं होना, नहीं होना। सब तो पहला ये एक्सैप्ट करना भी ये बीमारी है, दूजा सरेंडर करना भी मैं अपना जोर ला के वेख लिया, मेरे को नहीं गल बनी, काम अगे ना बिगड़ गया, तो अत हो गई है, इस बीमारी ने साढ़े घर च अत करती है, इतों शुरू करे फैमिली, तो जे आप पूरा इलाज ना कराया तो फिर की होना, बस हम अंत तो शुरू करो, फिर थोड़ा जहा दिमाग साडा बहन दिल करूगा, भावें डर करके भावें बहन दिल कर दूंगा। यस सर, जे एक हफ्ते तो बाद नहीं अफोर्ड कर पाता रहने, ठीक है भाजी, सानू लगता वा भी एक हफ्ते बाद ना बीमारी साडा खेड़ा छड़ देगी। देखो बीमारी ने खुराक मंगी जानी है, बीमारी ने खुराक मंगी जानी है, बीमारी ने नशा मंगी जाना, हुण तुसी ए थोड़ी भी उन्हें घर जाके कहना रहन दो जी मैं चुप करके बहना तुसी मेरा इलाज कराता, बीमारी ने जदों बीमारी अंदरों अटैक करती है, जदों अंदरों वह लुट्टी उन्हें बाहर जाना, तुसी बाहर नहीं जान देना, उन्हें कोई ना कोई धड़ना उन्हें सिंग फसा लेने, आप सीखिया नहीं होना साढ़े सिंग बच जाने, अभी फिर कह देना जा दफा हो मर जाके, मान लो बाहर गया चोरी करता फड़िया गया, फिर मान लो मेरे हिसाब ना 2-3 साल बाद बंदे नूं समान वेचना पैंदा, मान लो ये दो पुड़ियां लईयां उन्हें, उहदियां 3 बनाईयां, एक वो वेचदा पिया, दो उन्हें अपने जोगे रखियां, पुलिस का छापा पै जाए फड़िया जाए, फिर मां प्यो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, भुलेखा कढ़ दे भी अहीं इहनूं ठीक कर लांगे, ठीक उहनूं इलाज नहीं करना, जे तुसीं इलाज पूरा कराओगे तो भाजी बीमारी ने थोड़ी वेखण, मैं कह रहा वा मैं तो चीज़ एक्सपीरियंस की आ, भी एक बंदा इतों इलाज करा के गया, कहते अं अफोर्ड नहीं कर सकते, तीजे दिन वो फड़िया गया, भरे पैसे उत्थे पैसे भरे ना, तो इतने भी इलाज पैसा करके कराया, तो फिर वो उत्थे फड़े गए कि नहीं, फिर उत्थे कहो गए साढ़े को पैसे है नहीं, दसो की करोगे, वह बीमारी है वह जान के थोड़ी करता पाया, वह सह रुकन दिया वा, जे वह नशा ना करे मेरा तजर्बा कहता बंदे का सह रुक जाता, डॉक्टर साहब मेरे ना शेयर कर दे, मैं 4 बजे घरों भज जाता जो मेरी जाग खुलती,
नंगी पैरी मैं जान के थोड़ी करता हाँ, मेरे को रिहा ही नहीं जाता, मेरे मगर मगर वाइफ मगर मगर गली दे कुत्ते, मतलब कि बहुत कुछ मेरे ना भी होया वा, यह कि गल है। पर बीमारियां इलाज ना ठीक होंगे भाजी, पहली गल तो आप बीमारी मानते नहीं, सानू लगता वह जान के करता, जान के नहीं करता वो बीमारी है, ठीक है। बीमारियां इलाज ना ठीक होंगे, बीमारी ने तुहाडे ते कोई तरस नहीं जे करना, बीमारी ने कोई तरस नहीं जे करना, तुहाडे को पैसा है कि नहीं है, तुहाडे को रिसोर्सिज है कि नहीं है, तुहाडा काम चलता कि नहीं चलता, तुहाडे बच्चे भुखे मरते हैं जींदे आ मरते हैं, कोई मतलब नहीं है बीमारी नूं, बीमारी ने अपना पूरा जोर ला देना बस, तो घर चो एक जी लैके जाना वा, हुण जांदा कहड़ा वा भाजी, मैं तुहानूं रियलिटी दस रहा, तुसीं बिल्कुल मेरा तजर्बा जिंदगी का, मैं 27-28 साल नशे किए सारे किए जितों तक मैं कर सकता हूँ, तो पिछले 18-20 साल तो ठीक है, इलाज हो जाता जी। मैं कह रहा, मैं यही कह रहा वा भी हुण असीं कहता पैसे नहीं है, असीं चले गए बाहर जाके किसी ना लड़ाई होगी, फिर बंदा थाने फड़िया गया, फिर उत्थे ही कहोगे यस यस, मेरे को रिसोर्स नहीं है। मैं भाजी 3 महीने तो मैं नौकरी से नहीं गया, हालांकि मेरे घर कोई रोटी खाने नहीं है, पर डॉक्टर साहब ने कहा, मेरी वाइफ कहती साढ़े घर से मतलब कि खाने कुछ नहीं है, यही कमाने वाले, कहते भैन जी बंदा बच गया सब कुछ ठीक हो जाएगा।